नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काम की बातों के अंतर्गत आज मैं आपको ये बताऊंगा कि करी पत्ता जो हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गांव में, हर सड़क पर देखने को मिल जाता है, इसके क्या उपयोग हैं, आप किन किन कामों में इनका उपयोग कर सकते हैं, किस किस बीमारी में ये काम आता है। दोस्तों करी पत्ता जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, इसे मीठा नीम इसलिए कहते हैं क्योंकि नीम के पत्तों की तुलना में ये कम कसैला और कम कड़वा होता है। करी पत्ता भारतवर्ष के पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो करी पत्ता सब्जी की महक को बढ़ाने के काम आता है, उसे स्वादिष्ट बढ़ाने के काम आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बहुत गुणकारी भी है, बहुत सारी बीमारियों में ये इलाज के काम आता है। करी पत्ते की तासीर ठंडी होती है और ये मुख्यतः बवासीर रोग के इलाज में काम आता है। आपको करना ये है कि करी पत्ते के कुछ पत्ते अच्छे से धोकर पानी के साथ पीस लें और उसको छान कर पीने से बवासीर, दस्त, डायरिया और पेट के रोग और मुख्यतः पाचन क्रिया ठीक होती है। अगर पाचन क्रिया की आपको कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो करी पत्ते के उपयोग से आप इसको दूर कर सकते हैं। अगर पेट तंदुरुस्त है, पाचन क्रिया ठीक है, तो वैसे भी कई बीमारी आपके आसपास नहीं आएंगी। दस्त लगने पर करी पत्ते के पत्तों को पीसकर छानकर पीने से दस्त की समस्या दूर हो जाती है। पेट की गर्मी को शांत करता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। पेट के बहुत सारे रोग दोषों का निवारण करने में ये सक्षम है। दोस्तों अपने घर में आप करी पत्ता जरूर लगाएं और उसका उपयोग करें। ये सिर्फ सब्जी की खुशबू नहीं बढ़ाता, बहुत सारी बीमारियों का निवारण करने में भी सहायक होता है। करी पत्ते का उपयोग करके हम डॉक्टरों को दिए जाने वाले पैसे को बचा सकते हैं, इसलिए हर घर में तुलसी जी और करी पत्ते का पौधा जरूर लगाएं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।